नेट बंद हो गया था, पता नहीं क्या मसला। आवाज आ रही है सबको? हाँ आ रही है। कहाँ तक हो गया था पता है कुछ? नंबरिंग वाला हो गया था, एक दो तीन वाला ना, क्या ये कहते वाला, हैं, ये नीचे सेंटर तक कर लिया था, सेंटर पैराग्राफ भी हो गया था। हाँ चलो ठीक। इसी टाइम पे रोज ही बंद हो जाते हैं। अच्छा उसके बाद इस टीडी के अंदर पैराग्राफ को दोबारा टेक्स्ट ले लेते हैं। कलर इज ब्लैक, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया सिंपल। हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम नया टैग लगाते हैं एक मार्क, और ये वाला टेक्स्ट उठा के उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, आपका वो जो टेक्स्ट है वो मार्क हो जाएगा, यानी कि हाईलाइट हो जाएगा बैकग्राउंड उसका। अगर हमने कोई टेक्स्ट मतलब कि हाईलाइट करना तो आप बाहर पे टैग लगाए और उसमें ये वाला हो जाएगा। उसके बाद मार्क के बाद हमारे पास आ जाता है टैग, उसके बाद ये वाला कॉपी कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मार्क हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर हम लगाते हैं टेक्स्ट डेल का मतलब के डिलीट, इसके अंदर ये ब्लैक लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ये देखिए आप, उसने क्या किया, उसको जो है एक किस्म का डिलीट कर दिया, उसके ऊपर मार्क लगा दिया कि ये ठीक नहीं है टेक्स्ट। उसके बाद टी डी डबल ई आ गई, उसके बाद इसी को कॉपी कर लेते हैं दोबारा कंट्रोल डी। यहाँ तक तो हमने डिलीट कर दिया था, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इंसर्ट इंसर्ट का लगा लेते हैं। इंसर्ट के टैग में हम लिख देते हैं यहाँ पर येलो। इससे क्या होगा, ये ब्लैक वाला उसने खत्म कर दिया था और ये येलो वाला जो न्यू है उसको उसने अंडरलाइन करके लिख दिया, मतलब कि इसकी जगह ये वाला टेक्स्ट लिखा जाएगा ब्लैक ही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टैग, यहाँ तक ये वाले फॉन्ट टैग तो हो गए हमारे पास कंप्लीट। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर टी आर ले लेते हैं, हम क्या करते हैं इसको भी खत्म कर लेते हैं, इसको भी खत्म कर देते हैं। हम क्या करते हैं इस टी डी के अंदर यहाँ पर हम बैकग्राउंड लगा देते हैं, वो तो हमने टेबल में लगाया था, अगर आपने यहाँ पर लगाना हो तो आप क्या करें ये वाला लगा देते हैं। इससे क्या होगा, ये वाला यहाँ पर उसके अंदर आ जाएगी, ये उसका बैकग्राउंड ये हो जाएगा। उसके बाद अगर टी डी के अंदर ही आपने बैकग्राउंड उसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर पिकर में जाएं, यहाँ से ब्लू कर दें और उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। मतलब कि पहले तो हमने होल के लिए होल टेबल के लिए किया था, अगर आपने स्पेसिफिक टी डी के अंदर लगाना है तो उसके अंदर भी ये प्रॉपर्टीज लग सकती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है और कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है बैकग्राउंड कलर की भी होगी। हाँ उसके बाद सिंपल आप बाहर आए टी आर से, इसके बाद आप लगा दें यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ नेम लिख देते हैं, ये वाला नेम लिख दिया। इससे क्या होगा, ये वाला टेक्स्ट जो है हमने बाहर ही लगाया इसलिए मैंने ये बाहर आ गया। हम चाहते हैं कि इसके नीचे जो है एक लाइन आ जाए कंप्लीट स्क्रीन की, तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर मैं इन दोनों के दरमियान लगाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर एच आर का टैग लगाओ,
इससे क्या होगा, ये वाली लाइन एक आ जाएगी आपके पास। अब एचआर के टैग के अंदर आप विड्थ दे सकते हैं उसकी, आपको कितनी चाहिए 200px, हाई नहीं आएगी इसकी विड्थ ही आएगी। ये वाली हमारे पास इसकी विड्थ 300 आ गई है, वो आपकी मर्जी, आपने कितनी लेनी है, कंप्लीट स्क्रीन की लेनी है आपने, या फिर आपने इसको आप अलाइन भी करवा सकते हैं, मतलब कि हर टैग के अंदर आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं जो आपको चाहिए। तो यहाँ तक है किसी का क्वेश्चन तो पूछ लें। नहीं लगी समझ? जी लग गई। ये हमारे पास थे फन टैग्स, यहाँ तक बहुत है आपका फन टैग्स, यहाँ तक आपने पिछला काम भी अभी करना है, तो ये वाला कल कर लेंगे, मीडिया टैग के साथ ये वाला करवा लूंगा कमेंट्स ऑफ कोटेशन का। तो ये वाली आपने बना लेना है, इसका मैं आपको इसका ये वाला आपने पेज डिजाइन करना, मतलब कि अपनी सीवी बनानी है आपने फन टैग यूज करके। बना सकते हैं आप ये वाला, ट्राई करेंगे। नहीं मतलब कि अगर आपको यहाँ पर किसी चीज की समझ नहीं आ रही तो पूछने आप, ठीक है। सारे ये फन टैग यूज हुए हुए, टेबल आपने लेना है सबसे पहले, आपकी जितनी लैपटॉप की स्क्रीन है आप उतनी विड्थ और हाइट उसकी पहले सेट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, उसको बॉर्डर देते जाएं आप साथ साथ, एंड पे क्या करें जाकर, एंड पे आप जाकर उसका बॉर्डर जो है वो खत्म कर लें, तो ये इस तरह डिजाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। पहली पहली टी आर में आप एक टी डी लें, उसके अंदर ये लगाएं, उसमें आगे नेक्स्ट एक लगेगा नेस्टी टेबल, उसके अंदर दो टी डी लें, एक को लेफ्ट लाइन करवा दें, एक को राइट करवा दें, उसका बैकग्राउंड ये कर लें टी आर का। उसके बाद आप टी आर लें एक कंप्लीट, तो ये टेबल के बगैर नहीं हो सकता। कौन सा? ये सारा टेबल्स के बगैर आप कैसे करोगे? बॉडी में सिंपली वर्ड लिखे जाए, टैग्स लगा के पैराग्राफ और दूसरे जो है लिस्ट वगैरह। अच्छा वो तो आप लिख लेंगे, तो ये बैकग्राउंड कलर आप इसका कैसे सेट करोगे ये वाला? अच्छा ठीक है, ये देखो ना, अब इसका अलग आ रहा है, इसका अलग आ रहा है। बॉडी में तो सिर्फ आप एक ही टेक्स्ट दे सकती हो ना बैकग्राउंड कलर उसको। हाँ ये कर लो आप, नेस्टी टेबल एक टेबल उसकी टी आर दो बना लो, ठीक है। उसके ये दरम्यान में जो स्पेस आ रही है ये आप टी आर ले लो, उसकी हाइट कम रख लो 20px रख लो और उसको एम्प्टी छोड़ दो, ये स्पेस आ जाएगी इसमें। उसके बाद आप क्या करो, आप टेबल्स ना लगाओ, नेस्टी टेबल नहीं लगाने, तो आप क्या करो सिंपल यहाँ पर अंदर उसके लिखते जाओ, और उसके बाद यहाँ पर ये जो टेबल बनेगा यहाँ पर तो आपको लेना ही पड़ेगा ना नेस्टी टेबल, ठीक है। हाँ तो ये आप कर लेना जैसे भी हुआ, बस आपने वो इसको ना प्रैक्टिस ही करना है, बस आप ट्राई कर लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है आपसे, ईजी है, इतना मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि पहले दिन ही हमने यूनिवर्सिटी जाना है ना, तो सबसे पहले उन्होंने यही कहना है कि आपको HTML तो आती होगी, आपने सुबह CV बना के लानी है, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता होता है। कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आप लीव कर लें। वीडियो चाहिए इसकी आज वाले की जरूरत तो नहीं है वैसे। हरदीम अब्दुल मान भी देखनी होगी, चलें ठीक है मैं कर दूंगा। चलें ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज, आप काम करके ये वाला सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।